देहरादून के जिस डीएवी पीजी कॉलेज में सीट के लिए एडमिशन की मारामारी रहती थी, वहां इस बार 1000 सीट खाली चल रही है, और यह सब हुआ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की वजह से। रिपोर्ट देखिए। कॉमन यूनिवर्सिटी एड्रेस यानी कि CUET एग्जाम पास करने के बाद ही एक बार फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखने वाले कॉलेज में एडमिशन दिए गए हैं। लेकिन इस बार स्थिति ये है कि 3800 सीट से ज्यादा क्षमता रखने वाले देहरादून के बड़े कॉलेज में शुमार डीएवी पीजी कॉलेज में 1000 के करीब सीट खाली है। दिक्कत आ रही है पहाड़ के स्टूडेंट्स के सामने, जिनको कॉमन यूनिवर्सिटी एड्रेस टेस्ट के बारे में जानकारी ही नहीं थी और नेटवर्क की दिक्कतों के चलते एग्जाम ही नहीं दे सके। अब ये स्टूडेंट्स बावजूद भटक रहे हैं, और ये सिर्फ डीएवी का हाल ही नहीं है बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ज्यादातर कॉलेज का है। मैंने जनरल टेस्ट नहीं दिया था ना, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा। हमें बताया नहीं गया था पहले कि जनरल टेस्ट भी देना है। अभी क्या चाह रहे हो, क्या सोचते हो? एडमिशन हो जाए जल्दी। वहीं स्टूडेंट्स की इस परेशानी को कॉलेज प्रबंधन भी समझ रहा है, और अब UGC और केंद्र से बार मेरिट बेसिस पर बची सीट पर एडमिशन के लिए एप्लीकेशन भेजी गई है। हमने UGC को भी लिख दिया है, लेटर मैंने आपको दिखाया, अभी 4-5 पेज का लेटर है। यूनिवर्सिटी को लिख दिया है कि जिन बच्चों ने CUET नहीं दिया है या जिनकी मैपिंग के हिसाब से CUET नहीं आया है, उनके लिए हमें एडमिशन करने की क्या गाइडलाइंस है वो हमें प्रोवाइड की। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास कर लिया है उन्हें तो एडमिशन मिल गया, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते पहाड़ के जो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं पा सके उनके लिए समस्या बढ़ गई है। News 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।